अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपके साथ नाइन्थ क्लास इस्लामियत लाजमी का बेटा पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और इसी में से आपका सारा पेपर आ जाएगा। आपने कोशिश करनी है इस पेपर को सबसे पहले याद करें, बाकी चीज़ें आप लोगों ने बाद में करनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है तो बेटा टोटल आप लोगों का ये 15 नंबर का क्या 15 मिनट टाइम मिलेगा आपको और टोटल 10 MCQs होंगे, ठीक है 10 नंबर के। बेटा ये न्यू कोर्स है, नया जो नई बुक है आपकी, वो जो ओल्ड कोर्स के बच्चे हैं तो वो ये पेपर तैयार ना करें जिसमें वो सूरत अनफाल वगैरह वाला होता था पोर्शन, वो नहीं है। ये जो न्यू बुक आई है वो वाला है, ठीक है, जो पिछले साल आई थी न्यू बुक। तो बेटा 10 MCQs आएंगे और टोटल जो है 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा। तो बेटा अब देखिए 2024 का ये पेपर है, तो पहला MCQs है, जंगे यमामा में हाफिज़ कराम की कसीर तदार शहीद हुई थी, ठीक है, किस जंग में हाफिज़ कराम की कसीर तदार शहीद हुई थी, ठीक है, इसका आपने आंसर बताना है। जंगे यमामा, जंगे कादिसिया, जंगे जमल, जंगे सफ़ी। सूरज जिसका दूसरा नाम सूरह तौहीद भी है, अल-फातिहा, अल-कौसर, अल-नसर, अल-इख़लास, इसका आंसर है सूरह अख़लास। किताब जो दीगर आसमानी कतब के अहकाम को मंसूख करने वाली है, तौरात, ज़बूर, अंजील, कुरान मजीद। वादिया हुनैन का मक्का मुकरमा से फासला कितना है, वादिया हुनैन का मक्का मुकरमा से फासला बेटा आपने बताना है कितना है। तो इसका आंसर है 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, ठीक है। तो बेटा इनके आंसर जिनके मैं लगा रहा हूँ, जिस पे मैंने टिक लगा दी है ना, वो सही आंसर है। जिनके मैंने अभी नहीं लगाए बेटा, वो कंफर्म आप लोगों ने कर लेने, या तो मैं आप लोगों को कंफर्म करके जो इनके आंसर्स बता दूंगा, ठीक है। सो उसके बाद है हज़रत मोहम्मद खातम नबी ने आँखों की ठंडक को करार दिया है नमाज को, ज़कात, रोज़ा, हज, ज़कात, इसका आंसर है नमाज। शुक्र का लगवी मानी है सब्र करना, खर्च करना, एहसान मानना या तलाश करना, इसका मान आंसर है सब्र करना। कफारे मक्का को हुजूर खातमुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से जिस सहाबी ने मानते वापस की थी, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, इसका आंसर है हज़रत अली। कसम तोड़ने पर रोज़े लाजम हैं, कसम तोड़ने पर रोज़े लाजम है। तो आप लोगों ने बताना है कि कसम तोड़ने पर कितने रोज़े लाजम है, 2, 3, 4 या 5, ठीक है। सो ज़ैनुल आबदीन जिस शहर में दफन है, ज़ैनुल आबदीन को किस शहर में दफन किया गया था, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, करबलाए मुअल्ला या कोफा में। सहीफा सादका मरतबा करने वाली शख्सियत, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास। तो बेटा ये आपका MCQs का पेपर था, अब मैं आपके साथ इसका सब्जेक्टिव पेपर शेयर करता हूँ कि वो कैसा पेपर आएगा। सो आगे बढ़ने से पहले आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल डियर स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, जल्दी सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि बाकी पेपर्स की वीडियोज़ हैं वो भी आपको फ़ौरन मिल जाएँ। बेटा सब्सक्राइब करने के बाद आपने सिंपल वीडियोज़ में जाना है, तो जैसे ही आप बेटा वीडियोज़ में जाएंगे तो आप लोगों को जहाँ पर जो भी बेटा फ़िलहाल वीडियो देख रहे हैं ना, उस वीडियो के नीचे बेटा यहाँ पर लाइक का बटन होगा, आपने बेटा यहाँ से इस वीडियो को लाइक कर देना है। बेटा लाइक लाजमी कर देना तमाम बच्चे, क्योंकि लाइक करने से वीडियो बाकी बच्चों तक जल्दी पहुँच जाती है। सो काइंडली बेटा आपने वीडियो लाइक लाजमी करनी है। चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को जो सब्जेक्टिव पेपर है आपका वो वाला। सो 2024 का ये पेपर है। सो सवालात बेटा टोटल 40 नंबर का ये पेपर आएगा, ठीक है। टोटल 9 सवाल पूछेगा पहले डब्बे में, आपने इसमें से कोई से 6 सवालों के जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन है मानी लिखने हैं जी, अलगफ़ारू अल अलीमू, अलगफ़ारू अल अलीमू का मानी, ख़त्म नबूवत के बारे में कुरान मजीद की एक आयात का तर्जमा बयान करना है आपने। नमाज की 2 शराइत तहरीर करें। उसके बाद फतह मक्का का वाकया कब पेश आया था, तारीख बतानी है आपने। कुरान मजीद में किन 2 गजवात का नाम और जिक्र हुआ है, कुरान मजीद में किन 2
आप इस बात का जिक्र किया हुआ है। अमल मफूद का मानी और मफहूम लिखे। हजूर खातम नबीन की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? अबादत में अतदाल और म्याना रबी से क्या मुराद है? सखावत की बदनी और माली सूरतों की वजाहत करें। आपने बेटा सखावत की बदनी और माली सूरतों की वजाहत करने की क्या होती हैं। उसके बाद बेटा दूसरा डब्बा इस तरह से दो डब्बे आएंगे पेपर में। लोगों का शुक्र अदा करने की अहमियत पर एक हदीस मुबारक का तर्जमा। बदयानती धोखा दही की कोई से दो नुकसान। तकबर की कोई से दो सूरतें। हमसायों के कोई से दो हकूक लिखें बेटा। हज़रत अबू मूसा अशारा के वालद और वालदा का नाम तहरीर करें। हज़रत उम्मे सुलेम की दो इस्लामी खिदमात तहरीर करें। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की कोई से दो मलफूजात तहरीर करें। अमामे सवेती की कोई से दो तसानीफ़ के नाम लिखें। खुद अतमादी या खुद इंसारी किस तरह इंसान को तरक्की याफ्ता बनाती है? तो बेटा ये आप लोगों का था 12 और 12, 24 नंबर के शॉर्ट सवाल आता है पेपर में, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को चीज़ों का नहीं पता, तो बेटा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है सारी। दर्ज जाइल शख्सियात में से दो बार नोट लिखी। तो बेटा यहाँ पे तीन शख्सियात आएंगी ये पेपर में। आप लोगों के कुछ बाब हैं, ठीक है, उन बाबों में से आप लोगों का ये सारा पेपर आएगा। वो इंशाल्लाह आपके साथ मैं पेपर स्कीम बेटा अगली वीडियो में शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने सिंपल पेपर स्कीम को तैयार करना है और तैयार करके अपनी तैयारी कर लेनी है। तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, हज़रत अबू मूसा अशरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर नोट लिख रहे हैं आपने। हज़रत अबू अलकासम कुशैरी रहमतुल्लाह पर नोट लिखें। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सवेती पर नोट लिखें। उसके बाद इस मुबारक का तर्जमा आएगा, अकमलुल मोमिनीन ईमानन अहसनहुम खुल्कुन वखियारुहुम बिखियारुहुम लिनिसाइहिम। ठीक है, तो बेटा ये तर्जमा करना है आपने। ये जो हदीसें दी गई हैं ना बुक में, उसमें से आएगा। नबी करीम की सीरत की रोशनी में दूसरों की राहत रसानी और खिदमत खल्क पर नोट लिखें या नमाज के फवाइद समरा तहरीर करें। तो बेटा ये आपके लिए पेपर था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप तमाम बच्चों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया होगा, और इंशाल्लाह जिस बच्चे ने इस वीडियो को देख के ये पेपर याद कर लिया, उस बच्चा के बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे और बच्चे इंशाल्लाह ताला सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाए। तो बेटा ये जो MCQs हैं ये वाले, और जो सवालात हैं और जो लॉन्ग सवालात मैंने आपको बताए हैं ना, ये आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले याद करें ताकि आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो सबसे अच्छे बन सकें। सो अल्लाह पाक आप सब बच्चों को डेढ़ों कामयाबी दे, अल्लाह करे तमाम बच्चे जो कि इस चैनल के जरिए जुड़े हुए हैं, अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को जो है बच्चे नंबर से पास कर दें। अल्लाह करे आपका ये पेपर भी जो है सबसे आसान आ जाए। सो बेटा अगर वीडियो पसंद आई है लाजमी तौर पर आपने लाइक करके जाना है। यहाँ से बेटा वीडियो को काइंडली अभी लाइक कर दें, और बेटा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो बेटा यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होगा, ठीक है, तो यहाँ से आपने मेरे साथ साथ सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। सब्सक्राइब करें और इस बेल को आपने ऑल पे सेलेक्ट कर देना है ताकि नेक्स्ट पेपर्स की वीडियोस, इसके MCQs वगैरह जो हैं, इसके पेपर्स की वो भी आप तक फौरन पहुँच जाएँ। सो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर पूछ सकते हैं।